सबसे पहले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट से तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ठीक है तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की तो पहले बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं क्या हम बोल रहे हैं ठीक है ये यूनिट फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस तो इसमें पहले बता देती हूँ दो कंसेप्ट आएंगे एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है एक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है अब तक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस यूज कर रहे थे तो जो भी जितनी भी आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी डिजाइनिंग करी कोडिंग करी वो उसी प्रोसेस में चल रहा था क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा था ठीक है अब स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता था जितना भी अपना जो डेटा होता था और जो प्रोसेस होता था वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता था अलग अलग मॉड्यूल्स में होता था ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेटा को और प्रोसेस को खुद के पास ही रखता है ठीक है तो यानी ऐसे समझो कि जो स्ट्रक्चर एनालिसिस अब तक हमने टोटल जो फोर यूनिट में करी उन फोर यूनिट में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते थे कि रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन किया उनकी डिजाइनिंग कर दी उनकी कोडिंग कर दी लेकिन वहां पे हर जगह हम अपने डेटा को अलग मानते थे और अपने प्रोसेस को अलग मानते थे जैसे कि अगर आपने डीएफडी अगर पढ़ी हो मैंने क्लियर करवाई भी थी आपको तो DFD के अंदर भी क्या होता था कि आपको पता था आपकी की एंटिटीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं और उसके अंदर आपके प्रोसेस क्या है उन प्रोसेस से वो लोग कम्युनिकेट करते थे डेटा फ्लो डायग्राम में सिमिलरली अगर आपने ई आर डायग्राम देखा हो तो ई आर डायग्राम में भी हम बेसिकली ये करते थे कि हमारे पास एंटिटीज होती थी उनके एट्रीब्यूट हमारे पास होते थे और फिर हम वेरियस एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताते थे कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो इसमें हमेशा याद रखना स्ट्रक्चर एनालिसिस डेटा और प्रोसेस को बिल्कुल अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो बिल्कुल नया पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में एक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने अंदर जितना भी प्रोसेस होता है और जितना भी डेटा उसके पास होता है वो उसको कलेक्ट करके खुद के पास ही रखता है वो उसको सेपरेट नहीं होने देता ठीक है अब हम जनरल पढ़ते हैं कि वॉट इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास दो थिंग्स होती हैं एक होता है उसके पास स्टेट एक होता है उसके पास बिहेवियर अगर मान लो मैं स्टेट अब नहीं समझ आएगा कि ये स्टेट क्या है ये बिहेवियर क्या है तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट में आता है अगर मैं पर्सन की बात करूं एक पीपल की बात करती हूं तो उसमें उसका नेम उसका जेंडर क्या है उसका स्टेटस क्या है मैरिड है अनमैरिड है ये सारा उसके स्टेट के अंदर आता है और बिहेवियर की हम बात करें तो जनरल पर्सन कैसे बिहेव करता है वो सुबह वॉक के लिए जाता है जॉगिंग करता है ईटिंग करता है ड्रिंकिंग करता है वॉच करता है टीवी वो सारा उसका बिहेवियर का पार्ट होता है ठीक है तो ये वाला आ जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर तो अब नेक्स्ट अगर इसको नहीं समझ आया तो हम इसे क्लियर करते हैं इसको कि ये देखो अगर हम आप देख रहे हो तो इसमें जो है बेसिकली आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते क्या है ऑब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है जैसे कि अगर आप बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराने चाह रहे हो तो कस्टमर हो आप तो दैट इज योर रियल वर्ल्ड एंटिटी अब इसमें आपका आएगा कि ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर हम बोलेंगे कि इसमें हमारे पास स्टेट और उसका बिहेवियर उस दोनों की ही इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है तो वो इस वाले डायग्राम से देखो कि अगर मैं पर्सन की बात कर रही हूँ तो पर्सन का स्टेट क्या हो गया उसके ब्लैक हेयर आई स्किन उसकी हाइट कितनी है उसकी वेट कितना है और अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो वो आएगा ईट स्लीप वॉक प्ले एंड स्टडी ठीक है अब याद रखना कि स्टेट और कई जगह प्रॉपर्टी भी मेंशन होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑब्जेक्ट के पास एक्शन होते हैं तो उसका मतलब वही हो गया कि स्टेट और बिहेवियर होता है ठीक है तो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट को और बिहेवियर को होल्ड करके रखता है अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में होता क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली क्योंकि आप पूरा जो है मेन टॉपिक उसका कंसर्न ही है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में होता क्या है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं सपोज कि अगर आप बैंक की बात कर रहे हो तो बैंक में कितने कस्टमर्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं कितने इम्प्लॉयज हैं वो ऑब्जेक्ट हैं कितने डिपॉजिटर्स आ रहे हैं या लोन लेने वाले बोरोवर्स आ रहे हैं तो ये जितने भी पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट बैंक मैनेजर जो है ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट जो सिमिलर टाइप के होते हैं जैसे मान लो बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं ठीक है कस्टमर्स की दो कैटेगरी होती है कि वेदर दे आर डिपॉजिटर और वो बॉर हैं तो उन दोनों को हम एक क्लास के अंदर रख सकते हैं सेकेंड अगर मुझे एक क्लास और बनानी है तो बैंक के अंदर होते हैं एम्प्लॉयज एक होते हैं हाई लेवल एम्प्लॉय जिसमें अपन मैनेजर की बात करते हैं सब मैनेजर की बात कर रहे हैं ठीक है डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और एक उसके नीचे के लेवल के पीपल्स ठीक है तो उनको भी हमने क्या किया उनको भी मर्ज कर दिया हमने एक क्लास के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जिनका बिहेवियर सेम होता है जिनकी स्टेट सेम हो सकती है उन सबको हम क्या करते हैं क्लासेस के अंदर मर्ज कर देते हैं तो इसमें ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट अब हम analysis क्या है एनालिसिस होता क्या है तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो तो एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को पहले चेक करते हैं कि सिस्टम में चल क्या रहा है हो क्या रहा है कहाँ से रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं हमें करना क्या है और सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को लेके अगर मान लो वेबसाइट भी बनानी है ठीक है कोई एजुकेशनल वेबसाइट भी बनानी है तो आपने अपने अपने कोर्सेज को अलग कर लिया अब आप क्या करोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस uh, करोगे करोगे यानी आप डिटरमाइन कि ये एनालिस कहाँ पर है इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है तो एनालाइज करना मीन डेटा को देख के डिटरमाइन करना उसमें से ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का यहाँ पे मतलब हो गया कि हमने क्या किया बेसिकली सबसे पहले हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनको कलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के के पास जो सिमिलर टाइप उनको क्लासेस के अंदर डाल दिया और अब हम क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं अब हम क्यों करें सिस्टम को एनालाइज फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है तो सिस्टम को एनालाइज आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको अगर सिस्टम को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करना अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपको दे दी जो आप कर ही नहीं सकते जो एज अ डेवलपर आप उस चीज को डेवलप कर ही नहीं सकते ठीक है तो क्या होगा आपका प्रोजेक्ट में फेलियर अकर होंगे तो इन चीजों को हम स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करते हैं तो अब तक हम जितना भी वॉटरफॉल मॉडल का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जितनी भी सेवन थी उनका जो काम हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के थ्रू कर रहे थे उसको हमने छोड़ दिया और हम आगे सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में जिसमें हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब है और हमें किसी चीज से ऑब्जेक्ट से क्लासेस से मतलब है और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है ठीक है अब आता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें सबसे पहले हम अपने सिस्टम को समझ रहे हैं ठीक है हमने सिस्टम को समझ लिया अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट कलेक्शन हुआ तो चलो रिक्वायरमेंट कलेक्टेड हो गई उसके बाद हम वापस कस्टमर के पास जा रहे हैं कस्टमर का व्यू देख रहे हैं कि क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है ठीक है सेटिस्फाइड है डन अब उसके बाद हम डिजाइनिंग पे आ गए फिर कस्टमर से पूछे आर यू सेटिस्फाइड ओके डन फिर आपने कोडिंग करी फिर आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया तो हर एक फेज के बाद इसमें भी आप बाकी सारा थिंग सेम रहता है जो हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में किया वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है लेकिन दोनों के कॉम्पोनेट डिफरेंट है बस बाकी जो वहां रहता था कि डिजाइनिंग के बाद कोडिंग आएगी तो यहाँ पे डिजाइनिंग के बाद कोडिंग ही आएगी लेकिन एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का सिस्टम एनालाइज करने का पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है जैसे कि अगर आपकी क्लास में लेट सपोज की अगर एफओसी मैं पढ़ा रही थी आप कोई दूसरी टीचर आके सब्जेक्ट वही है कंटेंट भी वही है लेकिन वे ऑफ टीचिंग जो

ये जो कस्टमर है ये बेसिकली आपका क्या है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है ठीक है ये सारे यूज केसेस हैं जिसके थ्रू वो दूसरी जो एंटिटी है दैट इज योर बैंक उससे कम्युनिकेट कर रहा है ये होते हैं आपके यूज केस डायग्राम तो यहाँ पे आपने ये शायद यूज केस डायग्राम एक बार पहले भी बनाया था ठीक है तो ये वाले जो डायग्राम्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में इंस्टेड ऑफ डी डी आप ये वाले सारे डायग्राम्स को डिजाइन करेंगे ठीक है जैसे बैंकिंग का हो गया या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया तो वो किस तरीके से वर्क करेगा वो हम यहाँ से बताएंगे अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में तो आपके पास दो चीजें होंगी एक आपके पास होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक आपके पास होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ठीक है अब क्या होता है कि अगर इन दोनों को आपने एक साथ मर्ज कर दिया तो मर्ज करके आपके पास बनेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन ठीक है तो इससे आप पूरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसको डिस्क्राइब कर सकते हो इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासेस ठीक है आप देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं ओ ओ ए की तो ये ओओ ए बेसिकली है क्या ओ ए का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई है और प्रॉब्लम का मतलब क्या है प्रॉब्लम का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट आपके पास डिजाइन होने के लिए आई है अगर किसी ने बोला है कि मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट चाहिए तो दैट इज योर प्रॉब्लम डोमेन ठीक है कि इसमें यह प्रॉब्लम है कि हमें ये वेबसाइट को बनाना है इतने ड्यूरेशन में बनाना है इसमें इतने रिक्वायरमेंट्स होंगे इनकी डिजाइनिंग इस तरीके से होगी इसके कोडिंग के लिए हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे ठीक है तो ये आपका प्रॉब्लम डोमेन का पार्ट है जिसको आप पूरा एनालाइज करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का मतलब होता है सॉल्यूशन डोमेन ठीक है जिसमें हमारे क्या होते हैं जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं डिजाइनर्स होते हैं रिक्वायरमेंट एनालाइजर होते हैं वो जो प्रॉब्लम आपके पास आई जो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपके पास आई उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिजोल्व करते हैं या फिर डिजाइनिंग का वर्क स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ऑब्जेक्ट ओरिएटेटेट डिजाइन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में डिफरेंस क्या है तो मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या करते हैं प्रोसेस को और डेटा को दोनों अलग अलग पार्ट है ठीक है उनको मर्ज कभी नहीं करते लेकिन यहाँ पे हमेशा प्रोसेस और डेटा एक तरीके से एक एनवेल्प के अंदर ही बंद रहेगा ठीक है यानी एक एंटिटी पूरे को होल्ड करके रखेगी नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा रीयूजिलिटी ऑफ कोड को सपोर्ट नहीं करता था ठीक है उसमें सिर्फ कुछ ब्लॉक्स थे जहां पे यूजेबिलिटी या रीयूजिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता था लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का बेनिफिट ही ये होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं या जो क्लासेस क्रिएट कर रखी है अगर वही क्लासेस जो हैं वो किसी दूसरे डेवलपमेंट के अंदर काम में आ रही हैं तो एज इज हम उनको उठा के यूज में ले सकते हैं तो इससे हमारा डेवलपमेंट टाइम बच जाता है और हमारी कॉस्ट बच जाती है नेक्स्ट अगर आप देखो तो इससे जो आ, टेबल है टेबलो फॉर्मेट में दे, देख सकते हो कि स्ट्रक्चर के बात करें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो अगर हम डिजाइनिंग के टाइम की बात करते हैं या हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम बन रहा है यहां पे use case diagram यहां पे यूज यूज केस डायग्राम बनेगा ठीक है अपन स्ट्रक्चर इंग्लिश करते हैं डिसीजन टेबल डीटी अपन ने यूज करी थी और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे हम यूज केस मॉडल एंड यूज केसेस जो भी मैंने आपको डायग्राम शो किया था हम वो बनाएंगे इवेंट्स कैसे फ्लो करेंगे मीन्स अगर आप कॉलेज स्कूल से नहीं सपोज होम से कॉलेज आ रहे हो तो क्या क्या इवेंट बीच में आकर हुआ अगर आपको गेट कीपर ने रोका बिकॉज नाइन टेन हो गए थे इंस्टेड ऑफ नाइन तो कौन सा इवेंट आकर हुआ जब क्लास में एंटर हुए तो कौन सा इवेंट आकर हुआ तो उसको हर एक को आइडेंटिफाई करके वहां पे मैंशन करते हैं तो ये दोनों डायग्राम जो है वो मैं इसमें आपको बनवाऊंगी ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास ऑब्जेक्ट मॉडल जहाँ पे आप ये वाला सारा पार्ट आगे आने वाला है इसको हम बात इसमें डिस्कस करेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से अगर बोरोवर है और बैंक है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम डिफाइन करेंगे ठीक है नॉट बोरोवर कस्टमर है और अगर आपके बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो रिलेशनशिप में आएगा वेदर इट ही इज अ डिपोजिटर और ही इज अ बोरोवर उसको एक्सप्लेन करेंगे अब क्या होता है कि इतना हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है और हम क्यों यूज में ले रहे हैं क्यों यूज में ले रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट टाइम भी कम लगे हमारा जल्दी से वर्क भी सारा कंप्लीट हो जाए ठीक है और कॉस्ट भी कम है टाइम में भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिड भी नहीं हो इसलिए हम इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है अब इस वाले अप्रोच को जब ये फर्स्ट टाइम मार्केट में आई तो फोर बंदों ने इस पे वर्क किया एक था बॉच मैथड तो बॉच मैथड के अंदर क्या था उसमें दो वर्क इसमें हमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसने जो प्रोसेस डेवलप किया उसमें क्या आ रहा था तो इसने जो प्रोसेस डेवलप किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का उसमें इसने दो तरीके के डेवलपमेंट बताए एक इसने मैक्रो डेवलपमेंट एक माइक्रो डेवलपमेंट तो मैक्रो में तो इसने क्या किया सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स थी उनको बता दिया क्लासेस क्रिएट हो गई अब माइक्रो डेवलपमेंट में जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट होगा वो सारा प्रोसेस आ रहा था अगर एरर्स अकर हो जाते हैं एक बार आपने यूज केस डायग्राम्स या इनको ड्रॉ कर लिया एक्टिविटी डायग्राम्स को तो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम एरर हैंडलिंग के थ्रू रिजोल्व करते थे ठीक है तो ये एक पहला मैथड है नेक्स्ट इसके बाद आता था आपका रमबॉग थर ठीक है इसने क्या किया था इसने एक ओ एम टी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक ठीक है अब ये जो वर्ड है मॉडलिंग ये मॉडलिंग क्या आइडेंटिफाई करता है तो मॉडलिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम आया हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट्स आई हैं तो कभी भी हम रिक्वायरमेंट्स को ऐसे कलेक्ट नहीं कर पाते या पूरा आपको रिक्वायरमेंट्स भी पता है आप डिजाइनिंग भी कर रहे हो तो भी हमेशा आप एक प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप करते हो तो मॉडलिंग का मतलब है कि जब भी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आए या डिजाइन हो के प्रोडक्ट तो उसके बाद आप एक मॉडल डेवलप करते हो क्योंकि जो भी कस्टमर होता है उसको कभी भी इतना ज्यादा आता लेकिन अगर आप उसके सामने एक थ्री मॉडल के बारे में बात की उसने पहले बात की आपके ऑब्जेक्ट मॉडल की दूसरी उसने बात की डायनेमिक मॉडल की और थर्ड फंक्शनल मॉडल तो ऑब्जेक्ट मॉडल में पहली चीज क्या आई सबसे पहले उसने देखा कितने ऑब्जेक्ट हैं अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो पेशेंट है आपका डॉक्टर है ठीक है रिसेप्शनिस्ट है सर्जरी इंचार्ज है तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स थे अब उसने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स करके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको बता दिया कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायग्नोस करेगा तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम अब ये बताने के बाद उसने एक क्लास क्रिएट करी और क्लास के अंदर जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी जो पेशेंट्स थे जिनको डायबिटीज है सबको एक ग्रुप में डाल दिया ठीक है ये काम हो गया अब उसने क्या किया कि जिनको जैसे लेट सपोज कि एक ग्रुप बन गया एक क्लास बन गई और दूसरी क्लास बन गई अब इन दो क्लासेस के अंदर क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जैसे एक डायबिटीज पेशेंट बन गए और एक लेट सपोज कोलेस्ट्रॉल जिनको प्रॉब्लम है वो वाले पेशेंट्स बन गए एक ग्रुप में अब इन दो ग्रुप में क्या रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि जो दोनों के बिगनिंग सिम्टम्स हो वो कुछ सिमिलर हो या लेट सपोज की अगर टेन सिम्टम्स हैं तो स्टार्टिंग के जो थ्री सिम्टम्स हो वो सिमिलर हो तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दें ठीक है तो इसको सबसे पहले क्या करेगा ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेगा फिर ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप बताएगा फिर क्लासेस में अरेंज करेगा और लास्ट में क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको स्पेसिफाई करेगा नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक मॉडल तो जो आपका डायनेमिक मॉडल है वो ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट है लेट सपोज कि हम घर से आ रहे आने के बाद रस्ते में ही किसी दूसरी बाइक से हमारा एक्सीडेंट हो गया दैट इज अवेंट वो एक इवेंट अकर हुआ अब अगर वो इवेंट अकर हुआ तो उसके बाद कैसे जो आपका यूजर है वो बिहेव करेगा ये आता है डायनेमिक मॉडलिंग के अंदर कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो जो भी बिहेवियर आता है जो भी स्टेट आती है उसके बाद वो बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो हमेशा डायनेमिक मॉडल के अंदर आता है और डायनेमिक मॉडल को हमेशा हम टाइम के साथ रिलेट करते हैं इसमें टाइम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अब नेक्स्ट आता है आपके पास फंक्शनल मॉडल फंक्शनल मॉडल का बस सिर्फ ये बताता है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे करेगी बिगनिंग से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसका फ्लो करने का मेथड कैसे होगा जैसे ये फ्लो हम डेटा फ्लो की बात कर रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि सबसे पहले अगर पेशेंट आएगा तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया वो क्यू में बैठेगा फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा फिर वो मेडिसिन वाले बंदी के पास जाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगी एक एक्टिविटी एक इवेंट के होने के बाद एक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी ठीक है उसमें इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होगी वो सारा फंक्शनल मॉडल कवर करेगा ठीक है आपका ये हो चुका है नेक्स्ट आपके पास आता है ये सेकंड मेथड हो गया बॉच था पहला सेकेंड आपका रमबॉक थर्ड है आपका जैकॉपन मेथड। तो जेक ऑप्शन मैथड को आप ओ ओ एस सी दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथड भी बोलते हैं तो ये इस नेम से भी आ सकता है अब इसमें इसने क्या है जो भी पहले वाले बंदे वर्क कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप होगा ही क्लास भी बनेगी क्लास के बीच में भी रिलेशनशिप होगा अब इसने क्या किया था इसने यूज केस डायग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था कंसेप्ट वो यही बंदा लेके आया था कि हम यूज केस के थ्रू उसको शो करेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बेसिकली एक एक्टर होगा जो मैंने आपको बैंक वाले डायग्राम में बनाया था और वो यूज केस के थ्रू पूरे अपने सिस्टम से इंटरक्ट करेगा ठीक है तो ये हो गया आपका इनमें आपको कुछ नहीं करना सिर्फ जितने भी एप्रोचेस हैं इसमें जैकबसन ने क्या किया बॉश ने क्या किया सिर्फ आपको ये स्पेसिफाई करना है टू टू लाइंस के अंदर क्योंकि हमारा फोकस इस पे है नहीं हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये चीज बिगनिंग में डेवलप हुई थी ठीक है फोर्थ है आपका लास्ट वन कोड एंड यॉर्डन मेथड तो कोड एंड यॉर्डन मेथड में क्या था उसने ऑब्जेक्ट किया ठीक है ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया फिर जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन किया अब अगर आपने डीबीएमएस के अंदर पढ़ा हो तो आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन तो आप ये ध्यान रखना कि जनरलाइजेशन जो होता है वो हमेशा बॉटम अप अप्रोच होती है और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मान लो अकाउंट है बैंक के अंदर तो अकाउंट आपका चेकिंग अकाउंट भी हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है आपका क्रेडिट अकाउंट भी हो सकता है तो इन तीनों के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो सेम होंगे हमारे अकाउंट से क्योंकि ये सारे इनहेरिट होके कहा से आए अकाउंट वाले से ठीक है बैंक में जो अकाउंट है ठीक है बैंक है उसके पास अकाउंट है और हम टोटल तीन बंदे हैंबल टू हेयर नाउ ओके ओके ठीक है तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन था ठीक है अब जनरलाइजेशन हमेशा बॉटम अप्रोच मीन्स हमें नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना है ठीक है और जो स्पेशलाइजेशन होता है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे आता है जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि कॉलेज के अंदर हैं ठीक है, है एक है जो परमानेंट एम्प्लॉय है एक है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो ये कहता है कि जो ऊपर एम्प्लॉयर है उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे प्रेजेंट है आपके सैलरी वाले के पास भी प्रेजेंट है जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है और एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय तो अगर डायग्राम बनेगा तो दोनों का डायग्राम सिमिलर बनता है स्पेशलाइजेशन में आप बोलोगे कि ऊपर से नीचे आएंगी जितनी भी आपका स्ट्रक्चर होता है और जो अगर हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की वो तो वो बॉटम से अप जाता है ठीक है ये डीबीएमएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है है नेक्स्ट आता इसमें डिफाइन एट्रीब्यूट ई आर डायग्राम के अंदर आता है बेसिकली जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ठीक है तो कोड एंड यॉर्डन क्या करता था ऑब्जेक्ट को बताया उसने जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन प्रोसेस को बताया और फिर उसने बताया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं जैसे मान लो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट होंगे नेम फोन नंबर रोल नंबर ऑल दीज थिंग्स अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इनने फोर जो बंदे थे इनने वर्क किया ठीक है लेकिन हरेक का जो मैथर्ड था उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि कहीं ना कोई बॉटल नेक था जिससे क्या हो रहा था कि हमें एक प्रिसाइज जो हम करना चाह रहे थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एनालिसिस करना चाह रहे थे वो एनालिसिस नहीं हो पा रही थी तो क्या किया गया कि इन फोर के जितने भी मेथड्स थे तो जो जो एडवांटेजेस थे उन सबको कम्बाइन किया गया और कंबाइन करके आपकी यूनिफाइड अप्रोच जिसको हम बोलते हैं यूएमएल दैट इज योर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इसको डेवलप किया गया ठीक है तो हमने ये लैंग्वेज कहाँ से आई ये लैंग्वेज इन फोर के मैथड दैट इज यम्बॉक जे एंड कोड इन सब के मैथर्ड का जो एडवांटेजेस थे उनको हमने लिया और लेके हमने अपनी यूएमएल लैंग्वेज को डिजाइन किया अब बात आती है कि यूएमएल लैंग्वेज है क्या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम हमेशा यूएमएल को यूज करेंगे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को हम कोई डीएफडी कोई ई आर डी कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे सिर्फ यू केसेस के जो डायग्राम होते हैं ये जो एक्टिविटी डायग्राम होते हैं वो बनाएंगे अब आया यूएमएल तो यूएमएल क्या करता है बेसिकली आपका यूएमएल स्पेसिफाई करता है तो जो काम स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारी जो डेटा फ्लो डायग्राम कर रहे थे ठीक है जो स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रही थी सीधे सीधे वो काम यहाँ पर यूएमएल कर रही है वो क्या कर रही है पूरे सिस्टम को विजुअलाइज कर रही है पूरा डिटरमाइन कर रही है कि सिस्टम कर क्या रहा है बिगनिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस से इम्प्लीमेंटेशन तक आते आते ठीक है अब क्या होता है कि यूएमएल तो ये हो गया कि ठीक है मॉडलिंग लैंग्वेज है जो आपका पूरा सिस्टम का स्पेसिफिकेशन आपको बता रही है कि सिस्टम आपका वर्क कैसे करेगा वो सब कुछ स्पेसिफाई कर रही है ठीक है विजुलाइज कर रही है पहले वो देखती है कि क्या क्या चीजें हैं उसके बाद वो उसको विजुअलाइज करती है डिटेमाइन करती है फिर उसके अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन करती है वेदर वो डिजाइनिंग कर रही हो या वो कोडिंग कर रही हो फिर पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रेडी करते हैं फिर बिजनेस या जो भी आपका यूजर है उसको देने के लिए उसका मॉडल डेवलप करते हैं और लास्ट में हम कम्युनिकेशन करते हैं

ठीक है उसमें आप हर क्लासेस को इंक्लूड नहीं करोगे हर ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करोगे हर एक के बीच में रिलेशनशिप नहीं स्पेसिफाई करोगे जैसे अगर मैं बात कर रही थी कि लेवल टू डी की तो अगर आप लेवल टू डी बना रहे हो तो लेवल वन और लेवल जीरो डी डी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो सेम यहाँ पे भी फाइव व्यूज होते हैं तो जो व्यू मैंशन किया जाए सिर्फ हमें उसी का डायग्राम बनाना होता है तो अगर स्ट्रक्चर व्यू आता है तो आप क्लास ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप बताओगे बिहेवियर आता है तो बिहेवियर के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स हैं यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ठीक है वही की कस्टमर है और बैंक में जा रहा है तो वो बोरोवर है या वो डिपोजिटर है यूजर मॉडल व्यू जिसमें हम ये बताएंगे कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर और बिहेवियर सिर्फ सिस्टम का बनाएंगे ठीक है कि जो आपका सिस्टम है उसका बिहेवियर क्या है जितनी भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है और जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जो आपने सिस्टम को बनाने के लिए या वेबसाइट को बनाने के लिए डिटरमाइन करी उसको हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे लास्ट आता है एनवायरमेंटल मॉडल व्यू जिसमें हम पूरा जो स्ट्रक्चर है बिहेवियर है आपके सिस्टम का विध रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट कि कौन से एनवायरमेंट में वो क्रिएट किया गया इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन क्या थी एनवायरमेंट क्या था हम सबको स्पेसिफाई करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि एडवांटेज क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस से परफॉर्मेंस बेटर होती है फर्स्ट थिंग ठीक है अब ये सबसे पहले सिर्फ डेटा पे फोकस करता है प्रोसीजर पे फोकस नहीं करता जबकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता था कि वो प्रोसीजर पे फोकस करता था तो ये भी एक डिफरेंस है और अगर आप डेटा पे फोकस कर रहे हो तो जो डेटा में जो भी इवेंट आकर हो रहा है या जो भी उसका बिहेवियर आ रहा है ठीक है वो तो हमें पता ही चल जाएगा अगर हमें एक बार पता चल गया कि एग्जैक्ट डेटा क्या है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर ये आता है कि हम्म hmm, ओके okay. जो अगर हमारे पास हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करी है तो हम स्मॉल सिस्टम से लार्जर सिस्टम तक भी इजीली पहुंच सकते हैं क्यों पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे पास कौन सा वाला कंसेप्ट प्रेजेंट है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं कॉम्पोनेंट्स को और इससे क्या होता है डेवलपमेंट टाइम जो होता है आपके सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है जबकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम सारे कॉम्पोनेन्ट्स के अंदर नहीं कर सकते थे रीयूज कॉम्पोनेट्स का